दमोह की पथरिया विधायक रामबाई सिंह को बसपा सुप्रीमो ने किया पार्टी से निष्कासित। ट्वीट कर दी बसपा सुप्रीमो मायावती ने जानकारी। दमोह की पथरिया विधायक रामबाई सिंह को बसपा सुप्रीमो ने कहा कि बीएसपी अनुशासित पार्टी है व इसे तोड़ने पर पार्टी के एमपी एमएलए आदि के विरुद्ध भी तुरंत कार्रवाई की जाती है। इसी क्रम में एमपी में पथरिया से बीएसपी एमएलए रामबाई परिहार द्वारा सीएए का समर्थन करने पर उनको पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। उन पर पार्टी के कार्यक्रम में भाग लेने पर भी रोक लगा दी गई है। बता दें कि पार्टी से निष्कासित करने की जानकारी आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर दी। दरअसल रामबाई सिंह ने शनिवार को पथरिया में हुए एक नगरपालिका के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के मंच पर से एनआरसी तथा सीएए बिल के समर्थन में खुलेआम बोला था। उन्होंने कहा था कि मैं नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन करती हूँ। वहीं जिसको लेकर मीडिया में ये मुद्दा छाया रहा था, आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि पथरिया विधायक रामबाई सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। वहीं इस मामले में पथरिया विधायक रामबाई सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि मैंने सिर्फ बोला था कि भारत में सभी नागरिकों को नागरिकता का अधिकार है तथा नागरिकता बिल से घुसपैठिए पर लगाम लगेगी। दमोह से जिला ब्यूरो राजा ठाकुर की रिपोर्ट। था नागरिक संशोधन, मैंने ये नहीं बोला था कि कोई इधर के लोगों के लिए, इधर के जो लोग हैं उनके लिए तो नागरिकता है ही। मैंने तो सिर्फ ये बोला था कि जो बाहर के आतंकवादी आते हैं अपने देश में और इधर स्थापित हो जाते हैं और आतंक मचाते हैं तो उनको इधर से भगाने चाहिए। मैंने ये नहीं बोला कि कोई इधर के लोगों के खिलाफ के हिंदू या मुस्लिम नहीं। मैं तो पहले मानवता और इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं मानती हूँ, तो मैंने सिर्फ आतंकवादियों के प्रति ये बात रखी थी कि और ऐसा कुछ नहीं है कि जो और उन्होंने बात कही बहुत अच्छी कही कि जैसे अभी नागरिकता के ऊपर जो बिल पास हुआ है, मैं तो उसके समर्थन में बहुत अच्छा होता है। अपने लोगों के लिए तो जो बाहर के लोग पाकिस्तान के हैं कहीं और के भी हैं तो उनको भी अगर अधिकार मिलने चाहिए तो हमारे अंदर से हम जोनी सिंह हम जो दोनों जने चर्चा करते हैं डेली चर्चा करते हैं जो बिल पास हुआ बहुत अच्छा हुआ। मैं उनके साथ बोलता हूँ। Thank you.